हाय, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 238 से लेके सेक्शन 250 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को कवर करेंगे। ये चैप्टर 19 है जिसके अंदर हमें बताया गया है कि कैसे मैजिस्ट्रेट जो है वो वारंट केस का ट्रायल चलाता है। तो ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मैजिस्ट्रेट्स इस चैप्टर का नाम है। अब जब कोई केस मैजिस्ट्रेट के सामने आता है तो उसका कॉग्निजेंस जो है वो जनरली किसने लिया हुआ होता है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हमेशा उस केस का कॉग्निजेंस लेता है सेक्शन 190 के हिसाब से। सेक्शन 190 के हिसाब से उस चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास केस तीन तरीके से आता है, या तो वो कंप्लेंट के द्वारा आता है, या पुलिस रिपोर्ट के द्वारा आता है, या पुलिस के अलावा किसी और पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी होती है और उसके बाद जो है वो उसकी कॉग्निजेंस लेता है। ऐसे ही सेक्शन 193 के अंदर बताया गया कि जो सेशन कोर्ट होता है वो कभी भी किसी केस के अंदर कॉग्निजेंस नहीं लेता, सिर्फ सेक्शन 199 सब सेक्शन 2 के अंदर वो कॉग्निजेंस लेता है जो डिफेमेशन के केसेस होते हैं। तो अब जब वो कॉग्निजेंस ली जाती है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा सेक्शन 190 के अंदर, अगर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये केस जो है एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है सेक्शन 209 के हिसाब से, वो उस केस को फिर वो कमिट कर देगा सेशन जज को। और अगर उसको ये लगता है कि ये जो केस है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्रायल होना चाहिए इसका, तो वो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कमिट कर देता है। और अगर उस जज को ये लगता है कि ये मेरे द्वारा ही जो है केस आगे चलाया जाना चाहिए तो उस केस को अपने पास ही रखता है। तो अब जैसे कि इसका नाम है वारंट केसेस, की वारंट केसेस के अंदर कैसे ट्रायल चलता है, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समझाया है कि वारंट केसेस और समन केसेस में क्या डिफरेंस होता है। फिर भी एक बार बता देता हूँ कि वारंट केसेस वो होते हैं जिसके अंदर जो सजा होती है वो डेथ होती है या फिर लाइफ इंप्रिजमेंट होती है, 2 साल से ऊपर की सजा होती है। और समन केसेस के अंदर जो सजा होती है वो 2 साल से कम की होती है। तो यहाँ पे सजा जो होगी वो 2 साल से ऊपर की सजा होगी, उनको हम वारंट केसेस बोलेंगे। वारंट केसेस के अंदर का जो ट्रायल होता है वो कभी भी समन केसेस की तरह नहीं चल सकता, लेकिन समन केसेस का जो ट्रायल है वो वारंट केसेस की तरह चल सकता है। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंसेस हैं समन और वारंट केसेस के अंदर, वो आप वीडियो देख के समझ सकते हैं। आप देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन समन एंड वारंट केसेस, इससे पहले ही वीडियो वो अपलोड की है। तो अब कोर्ट के सामने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये केस लाया गया, उसने उसका कॉग्निजेंस लिया, अब ये केस उसके सामने आया तो सबसे पहले वो क्या चीज़ देखेगा जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, वो देखेगा कि क्या सेक्शन 207 की कंप्लाइंस की गई है या नहीं की गई है, जो उसके अंदर कंडीशंस हैं वो पूरी की गई हैं या नहीं की गई हैं, CRPC के सेक्शन 207 को पूरी तरह से फॉलो किया गया है या नहीं फॉलो किया गया। तो यहाँ पे हम एक बार ये भी समझ लेते हैं कि सेक्शन 207 के अंदर क्या है। सेक्शन 207 CRPC का ये बोलता है कि जब भी कोई एक्यूज होगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीज दी जाएंगी, किस चीज़ की, FIR की, और जो कोर्ट के अंदर वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट होगी सेक्शन 161 की, सेक्शन 164 की। एक बार हम रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या लिखा है। सेक्शन 207 कहते हैं कि इन एनी केस वेयर द प्रोसीडिंग हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, और यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि वो जो प्रोसीडिंग है वो किस तरह से शुरू होनी चाहिए, पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ जब भी पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे केस जो इंस्टीट्यूट हुआ है, द मजिस्ट्रेट शेल विदाउट डिले फर्निश टू द एक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, की एक्यूज को बिना किसी कॉस्ट के इन चीज़ों की फ्री कॉपी दी जाएगी। पहली किस चीज़ की, पुलिस रिपोर्ट की, जो भी पुलिस रिपोर्ट उसने सबमिट किया पुलिस ने कोर्ट के अंदर। दूसरी, द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 के अंदर जो FIR हुई है उसकी कॉपी जो है एक्यूज को मिलेगी। द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 161 की, सेक्शन 161 के सब सेक्शन 3 के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं उसकी कॉपी उसको मिलेगी। द कन्फेशन एंड स्टेटमेंट इफ एनी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 की, कोई भी कन्फेशन या स्टेटमेंट जो सेक्शन 164 के अंदर रिकॉर्ड किया गया वो उसकी कॉपी उसको मिलेगी। पिछले सेक्शन के अंदर जो सेक्शन सब क्लॉज 3 था इसका, उसके अंदर ये भी बताया गया कि कुछ जो चीज़ें जैसे सेक्शन 173 सब सेक्शन 6 के हिसाब से कुछ चीज़ें जो हैं वो मना की जा सकती हैं कि ये चीज़ें एक्यूज को ना दी जाए। उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट्स और रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट देयर टू फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट विद द पुलिस रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 173 की, अगर और कोई चीज़ जो मजिस्ट्रेट को दी जाती है तो उसकी कॉपी भी जो अक्यूज को प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जहाँ पे वो बहुत ही वॉल्यूमिनियस होगा, जहाँ पे वो बहुत ही
ज्यादा बड़ी कॉपी होगी जिस जो चीज पुलिस को दी गई है, तो उस केस के अंदर वो बोल दिया जाएगा कि आपको इसकी कॉपी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आप इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, आप जब आप चाहे आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमें सेक्शन 207 के अंदर बताया। तो जज जो वो इंश्योर करेगा कि क्या सेक्शन 207 की कंप्लाइंस की गई है या नहीं की गई है। तो सेक्शन 238 के अंदर लिखा है कंप्लाइंस इज सेक्शन 207 व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो यहाँ पे क्या जरूरी है कि वो जो वारंट केस है वो किस चीज के ऊपर शुरू हुआ हो, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर शुरू हुआ हो। द अक्यूज अपियर्स और ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट एट द कमिसमेंट ऑफ द ट्रायल, द मजिस्ट्रेट शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ही हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 207। तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट इस चीज को देखेगा कि क्या सेक्शन 207 को कंप्लाइंस की गई है या नहीं की गई है। उसके बाद सेक्शन 239 आता है, व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, की कब अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा वारंट केसेस के अंदर। इफ अपॉन कंसीडिंग अ पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट सेंट विद इट अंडर सेक्शन 173, कि जब पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे और जो डॉक्यूमेंट सेक्शन 173 के अंडर भेजे गए हैं मजिस्ट्रेट के पास, उन बेसिस पे एंड मेकिंग सच एग्जामिनेशन, और उसके बाद मजिस्ट्रेट ने भी अपनी एग्जामिनेशन कर लिया है उस अक्यूज से, इफ एनी ऑफ द अक्यूज एज द मजिस्ट्रेट थिंक नेसेसरी एंड आफ्टर गिविंग द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हियर्ड, द मजिस्ट्रेट कंसिडर्स द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज शुड बी ग्राउंडलेस, ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज एंड रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर सो डूइंग, की उसने दोनों तरफ को सुन लिया, उसने प्रोसिक्यूशन को भी सुन लिया, उसने अक्यूज को भी सुन लिया, उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये जो जिन बेसिस पे इसके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये ग्राउंडलेस है, तो वो उसको छोड़ सकता है जो अक्यूज है, और जो जब उसको छोड़ेगा तो उसको रीजन जरूर रिकॉर्ड करेगा कि उसको वो मजिस्ट्रेट क्यों छोड़ रहा है। फिर आता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, कि अब भाई मजिस्ट्रेट को ऐसा नहीं लगा कि इसने क्राइम नहीं किया है, मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि इसने क्राइम किया है, तो इफ अपॉन सच कंसिडरेशन एग्जामिनेशन इफ एनी एंड हियरिंग द मजिस्ट्रेट इज ओपिनियन दैट देर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द अक्यूज हैज कमिटेड एन ऑफेंस, कि वो एज अ प्रिज्यूम कर रहा है, उसको मान रहा है कि इस अक्यूज ने ये ऑफेंस किया है एग्जामिनेशन करने के बाद, an office under this chapter which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused, और उसको लगता है कि ये ट्रायल मेरे सामने ही चल सकता है, तो अब वो क्या करेगा, उस अक्यूज के ऊपर चार्जेस फ्रेम कर देगा। The charge shall then be read and explained to the accused. फिर वो जो charges होंगे वो इस accused के सामने read over किए जाएंगे और उसको explain किए जाएंगे, उसके सामने पढ़े जाएंगे और उसको समझाए जाएंगे, एंड ही शैल बी आस्क वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और ऑफ हिज ऑफेंस चार्ज और क्लेम्स टू बी ट्राइड, और फिर उससे पूछा जाएगा क्या वो प्लीड गिल्टी करता है, कि आप वो अपने जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं क्या वो उनको मानता है। फिर सेक्शन 241 बोलता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, इफ द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयर ऑन, अगर वो ऐसा मानता है तो कोर्ट जो है ये जज को ऐसा लगता है कि मुझे इसको कन्विक्शन देनी चाहिए, तो कोर्ट उसको कन्विक्शन दे सकता है। यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है वो मे वर्ड यूज हुआ है, इन हिज डिस्क्रिशन वर्ड यूज हुआ है, कि ये उसकी जो कोर्ट है उसकी डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको वो सजा देना चाहता है या नहीं सजा देना चाहता है। कोर्ट अगर चाहे तो वो आगे प्रोसीडिंग्स को चला सकता है। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, इफ अक्यूज रिफ्यूजेज टू प्लीड और डज नॉट प्लीज और क्लेम्स टू बी ट्राइड और मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज अंडर सेक्शन 241, द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स अ डेट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, की अगर इससे पिछले वाले सेक्शन सेक्शन 241 के हिसाब से उसने प्लीड गिल्टी नहीं किया, या फिर उसने प्लीड गिल्टी कर लिया और मजिस्ट्रेट ने कहा नहीं इसकी प्रोसीडिंग्स आगे चलाई जाए, तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक डेट फिक्स कर देगा कि इस दिन अब एग्जामिनेशन होगा किसका, विटनेसेस का, उस दिन आपको विटनेसेस को लेके आना है। द मजिस्ट्रेट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू अ समन्स टू एनी ऑफ द विटनेसेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग, प्रोसिक्यूशन के कहने पे जो मजिस्ट्रेट है वो किसी को भी सम्मन इशू कर सकता है, किसी को भी मतलब विटनेसेस को सम्मन इशू कर सकता है कि आपको इस डेट पे कोर्ट के अंदर आना है। यहाँ पे हमको पता है कि जो प्रोसीडिंग है वो कौन चलाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर चलाएगा। On the dates of fixed, the magistrate shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution. तो जिस दिन जो भी डेट फिक्स की गई होगी मजिस्ट्रेट द्वारा, shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution. और तो जिस भी दिन जिस जो भी डेट फिक्स की गई होगी उस दिन अब मजिस्ट्रेट जो है जो भी एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन द्वारा लाए जाएंगे उसको एग्जामिन करेगा। Provided that magistrate may permit the cross-examination of any witness to be deferred until an otherwise or witness have been examined or recall any witness for further cross-examination. कि वो किसी और witness को further cross-examination के भी बुला सकता है या किसी की भी cross-examination कर सकता है और उनको recall भी करवा सकता है किसी witness को। फिर आता है section 243, evidence
फॉर डिफेंस। अब प्रोसिक्यूशन ने अपनी बात कर दी, मतलब कि प्रोसिक्यूशन ने अपना बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो खत्म कर दिया। अभी बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होकर किसके ऊपर आ गया, एक्यूज के ऊपर आ गया। तो अब अपने डिफेंस के अंदर वो एविडेंसेज लेके आएगा। द अक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस एंड इफ द अक्यूज पुट्स इन एनी रिटन स्टेटमेंट द मजिस्ट्रेट शैल फाइल विद द रिकॉर्ड। अब वो अपने डिफेंसेस को लेके आएगा और अगर कोई रिटन स्टेटमेंट लेके आएगा तो मजिस्ट्रेट उस रिटन स्टेटमेंट को भी अपने रिकॉर्ड का पार्ट बना लेगा। If the accused, after he had entered upon his defence, applies to the magistrate to issue any process for compelling the attendance of any witness for the purpose of examination or cross-examination or the production of any document or other thing, the magistrate shall issue such process unless he considered कि भाई इसके बाद अगर अब उसने अपने एविडेंसेस को बुला लिया, उसके बाद वो बोलता है कि कोर्ट को बोलता है कि प्रोसेस इशू किया जाए कि इस एविडेंस को कोर्ट में बुलाना है, तो कोर्ट जो है उस एविडेंसेस को कोर्ट में बुलाएगा, विटनेस को कोर्ट में बुलाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए, या इन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में बुलवाएगा जिस भी पर्पज़ के लिए एक्यूज बोलेगा। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसे लगेगा कि विक्सेशियस पर्पज़ है या इससे जो केस है वो डिले होगा, तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगा उनको कोर्ट में बुलाने के लिए। The magistrate may, before summoning any witness on application under subsection 2, require the reasonable expenses incurred by the witness in attending for the purpose of the trial deposited in the court. और court ये बोलेगा कि जो भी आप witnesses को बुला रहे हैं उनकी जो भी fees है वो आप court में submit कर दीजिए, accused से वो ऐसा बोलेगा। यहाँ पे क्या हो गया, ये कौन सा था, जब police report के basis पे case जो है चल रहा है। अब अगर पुलिस रिपोर्ट के अलावा जो है केस आता है तो वो दो तरीके से आता है, या तो कंप्लेंट बेसिस पे होता है या फिर किसी और पर्सन ने पुलिस के अलावा कोर्ट के अंदर इंफॉर्मेशन दी हो, तो एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पे व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, कि पुलिस रिपोर्ट के अलावा अगर कोई वारंट केस चल रहा है, शैल द अक्यूज अपीयर्स और ब्रॉट बिफोर अ मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंसेस एज मे प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो जैसे उसके उसके उस केस में होता है, पुलिस रिपोर्ट के केस में होता है कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेज लाए जाएंगे, ऐसे यहाँ पे भी प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेज लाए जाएंगे। द मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू अ समन्स टू एनी ऑफ इट्स विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। और प्रोसिक्यूशन के कहने पे कोर्ट जो है वो किसी भी विटनेस के लिए विटनेस को बुला सकता है कोर्ट के अंदर, या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बुला सकता है कोर्ट के अंदर एग्जामिनेशन करने के लिए, किसके द्वारा, प्रोसिक्यूशन के द्वारा। देन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, अब कब एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, इफ अपॉन टेकिंग ऑल द एविडेंस रेफर्ड इन सेक्शन 244 द मजिस्ट्रेट कंसीडर्ड फॉर अ रीजन टू बी रिकॉर्डेड नो केस अगेंस्ट द एक्यूज हैज बीन मेड आउट ऑफ विच इफ unrebutted would warrant his conviction, the magistrate shall discharge him. Magistrate क्या करेगा? उसको discharge कर देगा। कब discharge कर देगा? No case against accused has been made out of which would warrant his conviction. कि उसके खिलाफ जो case बना है वो गलत बना है। Nothing in this section shall be deemed to prevent magistrate from discharging the accused at any previous stage of the case if for a reason to be recorded by such majority consider charge to be groundless. और उसको लगता है कि ये charges जो है groundless है, तो जब भी वो उसको छोड़ेगा discharge करेगा तो अपने पास वो reason जरूर लिखेगा कि उसने उसको discharge क्यों किया है। उसके बाद आता है section 246 procedure where accused is not discharged, जहाँ पे अब यहाँ पे तो हमने accused को discharge कर दिया पहले 245 के अंदर। अब अगर procedure बता रहे हैं कि अगर accused को discharge नहीं किया गया तो क्या procedure follow होगा। If when such evidence has been taken at any previous stage of the case, the magistrate is of opinion that there is a ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter. कि उसको लगता है कि उसने ऐसे offence किया है जो कि इस chapter के अंदर triable हैं। Chapter कौन सा? Chapter 19 के अंदर triable हैं। तो court जो है उसको आगे चलाएगा केस को। Which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing the charge against the accused. अब उसके अगेंस्ट जो एक्यूज है उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करेगा, जैसे वो पुलिस रिपोर्ट के केस में किया था ऐसे यहाँ पे भी उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करेगा। द चार्ज शैल देन बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज एंड शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और ही मेक डिफेंस टू मेक। फिर उससे पूछा जाएगा कि आप प्लीड गिल्टी करते हो या फिर आप नहीं मानते, आप चाहते हो कि ये केस आगे बढ़ाया जाए। इफ द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड the plea and may in his discretion convict him thereon. कि वो record कर लेगा कि भाई जो accused है वो plead guilty कर रहा है और उसको conviction दे देगा, या फिर वो कहेगा कि नहीं इस case को आगे ही बढ़ाया जाए। If the accused refuses to plead or does not plead or claim to be tried or if the accused is not convicted under subsection 3, he shall be required to state at the commencement of the next hearing of the case or if magistrate for a reason to be recorded in writing so think fit forthwith whether he wishes to cross examine any and if so such witness for the prosecution whose evidence has been taken. अब उसको अगर उसने कहा कि नहीं इस केस को आगे बढ़ाया जाए, या फिर उसने प्लीड गिल्टी तो किया लेकिन कोर्ट ने ऐसे कहा कि नहीं इस केस को आगे बढ़ाया जाए, तो उस
को उससे पूछा जाएगा कि आप किन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगे, तो नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर उन विटनेसेस को बुलाया जाएगा। इफ ही सेज ही डज सो विश द विटनेसेस नेम बाय हिम शैल बी रिकॉल्ड एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन दे शैल बी डिस्चार्ज, कि उसके कहने पर उन विटनेसेस को बुलाया जाएगा, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, री एग्जामिनेशन करा जाएगा और उसके बाद उन विटनेसेस को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। The evidence of any remaining witness for the prosecution shall next be taken and after cross-examination, re-examination, they shall also be discharged. So, इसके बाद किसी और जो अगले evidences हैं उनको बुलाया जाएगा और फिर examination और re-examination के बाद उनको भी discharge कर दिया जाएगा। फिर आता है evidence for defense. अब भाई उन्होंने अपने evidences रख दिए prosecution ने, अब जो evidence है किसके आएंगे, defense के आएंगे। The accused shall then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence and the provision of section 243 shall apply to the case. जो 243 के provisions थे वैसे ही वो apply होंगे। जैसे evidence for defense पुलिस रिपोर्ट के केस में हुआ था, ऐसे ही अगर पुलिस रिपोर्ट के अलावा कोई केस होता है वैसे यहाँ पे भी evidences होंगे, जैसे सेक्शन 243 के अंदर हुए थे वैसे सेक्शन 247 के अंदर भी होंगे। अब कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल होगा, या तो acquittal होगा या फिर उसको कन्विक्शन होगी। तो इफ एनी सेक्शन 248 के अंदर, इफ एनी केस अंडर दिस चैप्टर इन विच चार्ज इज बीन फ्रेम द मजिस्ट्रेट फाइंड द अक्यूज्ड नॉट गिल्टी ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, कि भाई उसको लगता है कि ये सब चीजें प्रोसीडिंग होने के बाद कि जो अक्यूज़र को गलत फंसाया गया तो उसको वो एक्विटल कर देगा, उसको वो छोड़ देगा। वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर द मजिस्ट्रेट फाइंड द अक्यूज्ड गिल्टी बट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 325 और सेक्शन 360 shall after hearing the accused on the question of sentence pass sentence upon him according to of law, उसको लगता है कि ये गिल्टी है तो उसके ऊपर वो क्या करेगा, सेंटेंस पास कर देगा कन्विक्शन का और उसको सुनेगा accused को ऑन क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस कि उसको कितना सेंटेंस होना चाहिए। बस इसके अंदर बीच में ध्यान रखेगा सेक्शन 325 और सेक्शन 360 का, जिसके अंदर प्रोबेशन के बारे में बताया गया है। Where in any case under this chapter a previous conviction is charged under the provision of subsection 7 of section 211 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the magistrate may after his convicted said accused take evidence in respect of the alleged provision conviction and shall record the finding thereon, ki agar usko conviction ho jati hai uske baad wo agar usko 211 subsection 7 ke andar koi conviction ho rakhi hai to uski allegations ke upar bhi wo dekhega, lekin jab tak usko conviction nahi hoti in sections ke andar tab tak wo iske upar baat nahi karega। Absence of complaint, when the proceeding have been instituted upon a complaint and on any day fixed for the hearing of the case the complaint is absent and the offence may be lawfully compounded or is not a cognizable offence, the magistrate may in his discretion notwithstanding anything herein before contained at any time before the charge has been framed discharge the accused, ki kis case ke andar wo accused ko discharge kar dega, agar complainant jo hai wo absent hota hai aur kaun si proceedings ke andar absent hota hai जो कि लॉफुली कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, उसके अंदर अगर एक्यूज्ड वो अगर कंप्लेनेंट जो है वो खुद ही एब्सेंट हो जाता है और वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं तो उसके अंदर वो डिस्चार्ज कर देगा एक्यूज्ड को, या फिर वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस नहीं है द मजिस्ट्रेट में ही इन डिस्क्रिप्शन, वो अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देगा कि कंप्लेनेंट खुद ही नहीं आया तो आपको छोड़ दिया जाता है। कंपनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज, कि अब कंपनसेशन मिलेगा किसको, एक्यूज्ड को, अगर उसके ऊपर ये जो आरोप लगाया गया था ये बिना किसी रीजनेबल कॉज के लगाया गया था, अगर उसको एक्विटल हो गया उसके बाद जो कंपनसेशन मिलेगा उसको अगर उसके ऊपर ये एक्यूजेशन किया गया था बिना किसी रीजनेबल कॉज के। इफ इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट और अपॉन इन्फॉर्मेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर और टू मजिस्ट्रेट वन और मोर पर्सन और इज एक्यूज्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट ऑफ एनी ऑफेंस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट बाय होम इन केस हियर डिस्चार्ज और एक्विट्स ऑल इन सच एक्यूज्ड and his opinion that there was no reasonable ground for making the accusation against them or any of them, the magistrate may by his order of discharge or acquittal if the person upon whose complaint or information the accusation was made in present call upon him or to each or any of the such accused when there is more than one or if such person is not present direct the issue summons to him to appear show cause as aforesaid, ki bhai jiske kehne pe in logo ke upar ye accusation laga tha ye aarop laga tha unko court mein bulaya jayega show cause ke liye ki bhai aapne kyun unke upar ye aarop lagaya tha। The magistrate shall record and consider any cause which such complainant or informant may show and if he is satisfied there was no reasonable ground for making the accusation may for reason to be recorded make an order that compensation to such amount not exceeding the amount of fine
is empowered to impose as they may be determined be paid by such complaint or information to be accused or each or any of them. कि भाई उनको सुनने के बाद कोर्ट को ये लगता है कि ये जो एक्यूजेशन उन्होंने लगाया था बिना किसी रीजनेबल के ग्राउंड के लगाया था, तो उनके ऊपर जो है उनको बोलेगा कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपने ये एक्यूजेशन लगाया था, लेकिन वो उससे ज़्यादा कंपनसेशन के लिए नहीं बोलेगा, जितने के लिए वो जो मजिस्ट्रेट है वो जितना तक का फाइन लगा सकता है, जितने तक के लिए वो कैपेबल है सीआरपीसी के हिसाब से। तो बस इतना ही बताया गया है इसके अंदर। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे समन केसेस के अंदर मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल कैसे चलाया जाता है।